खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है और ये होगा हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 35। अब तक हम लोगों ने 34 पेपर को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के अंत में मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, शुरुआत करता हूँ एक क्विज से। तो 34 में मैंने जो 5 प्रश्न आपको दिए थे होमवर्क लिए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। और देखिए, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता जरूर हूँ, समय अभाव में मैं रिप्लाई भरे ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 34 में 5 प्रश्न थे होमवर्क लिए, उसके उत्तर को देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्विज होगी, फिर आज के प्रश्न होंगे और लास्ट में क्या होगा, फिर आपको आज के प्रश्नों का उत्तर और होमवर्क लिए प्रश्न। तो इस प्रकार से वीडियो आज का कंप्लीट होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो देखिए, ये मंडल बांध परियोजना की जो नींव रखी गई है, ये कोयल नदी, इसको कोयली नदी भी कहते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। तो कोयल नदी झारखंड, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 के विजेता का नाम पूछा गया था, सही जवाब है युही सस्काबा, इन्हें 2018 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता का नाम क्या था, तो सही जवाब था इसका केंतो मोमोता, केंतो मोमोता। और 5 डायनो श्रेणी के राष्ट्र हैं, तो इनमें 4 का नाम आपको बताया गया था, 5वें का नाम आपसे पूछा गया था। और ये जो 5ों राष्ट्र हैं डायनो श्रेणी के, इन्होंने दिल्ली में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, नाम था उसका द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019। तो उसमें जो 5वां राष्ट्र है वो भूटान था, 4 राष्ट्र थे भारत, नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा कि 5 राइनो श्रेणी के जो राष्ट्र हैं उनके नाम हैं भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। और अंतिम सवाल था कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, तो इनका नाम था स्टीव स्मिथ। तो क्विज नंबर 34 को हमने आज यहाँ पर देखा और जो लोग आंसर किए थे, मैक्सिमम के जो आंसर थे वो सही थे, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और अब आज की क्विज है, और ये जो 10 प्रश्न होंगे इसके उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में, उसके बाद 5 प्रश्न आपके होमवर्क लिए होंगे। तो उत्तर जो आपको लिखना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में एक ही जगह पर लिखना आप लोग, क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालकर, ठीक है। सवाल है कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स एक किताब है, ये किताब किसने लिखी है ये आपको बताना है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के कितने वर्ष पूरे होने पर यूनेस्को ने 2019 को सेलिब्रेट किया था, तो ये आपको बताना है। तीसरा सवाल होगा, भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया गया। तो आपको बताना है कि 2016, 2017, 2018, 2019, मैं आपको विकल्प भी दे देता हूँ मौखिक। चौथा प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना है। और पांचवा सवाल है, जून 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हो गए 5 प्रश्न, अब 5 प्रश्न और हैं। क्रिकेट विश्व कप में कौन सी टीम अपने सभी क्रिकेट मैच हार गई थी, तो ये लिखना है आपको। और INS शिवाजी भारतीय नौसेना का एक जहाज है, युद्धपोत है, नाम है इसका INS शिवाजी। तो हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार, यानी कि इस जहाज को कौन सा, युद्धपोत को कौन सा सम्मान दिया गया है, ये आपको बताना है। और वेंडल रॉड्रिक्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। किगाली एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र की राजधानी है, तो आपको बताना है कि ये किस देश की राजधानी है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगस्ता मास्टर्स ये किस खेल से संबंधित किताब है। तो ये 10 प्रश्न है, इसका जवाब मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। और अब वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर आके क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारी जो वेबसाइट है studywithgyanprakash.com, आपको समय मिले तो उस पर भी आप विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे उपयोगी और जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि गोबी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या फिर मिस्र। और देखिए, इसका जो सही जवाब है, गोबी डेजर्ट ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है,
और ये जो मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है, अल्टाई पर्वत है उससे ये घिरा हुआ है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या, गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया। तो सी इसका सही जवाब होगा, चीन और मंगोलिया के बीच में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, यहीं के संगमरमर से विक्टोरिया मेमोरियल भी बना था और ताजमहल भी बना था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, ये कोलकाता में है, ठीक है। तो उत्तर आप समझ गए होंगे, सही जवाब है इसका मकराना। तो ये विकल्प ए है इसका सही जवाब, मकराना, ठीक है। और मकराना कहाँ है, मकराना राजस्थान के नागौर जिलों में स्थित है, और यहाँ से सर्वोत्तम किसका संगमरमर जो होता है वो निकाला जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किन्हें चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ये आप जानते होंगे। आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है, किन राज्यों से संबंधित है। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है, और इस परियोजना का कमांड जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है, ठीक है। तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि संयुक्त उपक्रम किसका है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है, दामोदर नदी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये हुगली की सहायक नदी है, इसको तो आप याद ही रखना, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प कह रहा है कि प्रीत्जकर पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। प्रीत्जकर पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है कि चित्रकला के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो क्या यह सही है, नहीं है, सही नहीं है। वर्ष 2019 का प्रीत्जकर पुरस्कार ये अराता इसोजाकी को दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, जापान की है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। तो जो ये प्रीत्जकर पुरस्कार होता है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2019 का यह पुरस्कार जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी को दिया गया है, और 2018 वाला किसे मिला था। देखिए यूपीपीएससी में अक्सर जो पुराने करंट है वो भी पूछे जाते हैं, तो 2018 वाला जो पुरस्कार था ये भारत के एक व्यक्ति को मिला था, और उनका नाम क्या है, बाल कृष्ण दोषी, इनका नाम क्या था, बाल कृष्ण दोषी। 2018 वाला मिला था किसको, बाल कृष्ण दोषी को, ठीक है, समझ गया। 2018 भारत के बाकी दोषी को, 2019 वाला जो मिला था वो जापान के अराता इसोजाकी को दिया गया था, और ये वास्तुकला के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसको जरूर से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं यूपीपीएससी की वो इसी पैटर्न पर हो रही हैं। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में जो पहली महिला बन गई हैं, जो इस पैनल में शामिल हो गई हैं, उनका नाम आपको बताना है। और एक हिंट मैं आपको देता हूँ, ये भारतीय हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बी और डी में। तो सही जवाब इसका होगा जीएस लक्ष्मी, ठीक है, जीएस लक्ष्मी। तो 14 मई 2019 को भारतीय महिला क्रिकेट मैच रेफरी हैं जीएस लक्ष्मी, ये आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गई हैं, और ये पहली महिला बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग रट लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो जंजीरा है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, जंजीरा, उडुपी ये कर्नाटक के उडुपी जिले में है, ओरी विले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर, कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में, और इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरन ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जंजीरा और उडुपी, यानी कि विकल्प ए और बी, ये दोनों पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, तो आप याद रखिएगा कि जंजीरा और उडुपी।
तो कूट होता तो उसमें हम उत्तर दे देते, विकल्प ए और बी वाला जो कूट होगा वो सही होता। तो याद रखिएगा जंजीरा और उडुपी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए संविधान के अनुच्छेद 265 में यह बात कही गई है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो ये जो विकल्प ए है ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अनुच्छेद 266 के बारे में अगर बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखित से संबंधित है। अनुच्छेद 300 ये संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयों तथा अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है 368, तो ये भी याद रखना आप, 368 हुई संविधान संशोधन से संबंधित ये अनुच्छेद है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया है, इसमें किसे राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बात यहाँ पर क्या हो रही है, राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में, तो लोकसभा के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ये है कि 10 दिसंबर अभी हाल ही में 2 महीने पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत 8 उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया है, 8 उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया है, और इसमें से राज्यसभा के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। और अगर बात करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा से जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। तो राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह और लोकसभा से मुलायम सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो इतना इतना आप जरूर याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं, दिसंबर 2019 में घोषित विजडन द्वारा घोषित, विजडन पत्रिका है आप जानते होंगे, दशक की टेस्ट टीम में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर, टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड, इसमें जो 11 खिलाड़ी हैं उनमें नाम बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एलिस्टर कुक, बेन स्टोक्स, जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं, डेविड वार्नर एवं स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ए बी डिविलियर्स, डेल स्टेन और कगिसो रबादा, ये तीनों कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के, कुमार संकारा जो कि श्रीलंका से हैं। ठीक है, तो इसमें 2 खिलाड़ी इंडियन हैं, विराट कोहली और आर अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। तो विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं, तो यानी कि विकल्प सी आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट टीम ऑफ डिकेड में विराट कोहली और रविचंद्रन को विजडन ने शामिल किया है। और एक बात और भी आप बिल्कुल याद रखना इसको कि दशक के 5 क्रिकेटरों की सूची भी जारी की गई थी, दशक के 5 सबसे बड़े क्रिकेटरों की सूची जारी की गई थी जिसमें नाम था स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन, ए बी डिविलियर्स और एलिस पैरी, और 5वां नाम के था किसका था, विराट कोहली का। ठीक है, तो ये 5 हैं जो कि मतलब 10 साल के सबसे अच्छे क्रिकेटर माने गए हैं। फिलहाल सही जवाब इसका 2 और 3 विकल्प सी में है। नवंबर 2019 में चौथा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम 2019 कहां पर संपन्न हुआ, और देखिए इसका जो समापन हुआ है वो कहां पर हुआ है, ऑप्शन बी यानी कि रियो डी जेनेरियो में, और ये इसका चौथा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम था, और इस सम्मेलन में 5 सदस्य देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारतीय शोधार्थी रवि प्रकाश ने छोटे ग्रामीण पशुपालकों के लिए स्वदेशी और सस्ती दुग्ध प्रशीतन इकाई, मतलब दूध को फ्रीज करने की जो यूनिट होती है उसके निर्माण के लिए लगभग $25,000 राशि का ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार जीता था। तो ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज, ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज ये किसने जीता है, ये जीता है रवि प्रकाश ने, रवि प्रकाश ने। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि उसका उत्तर आप जरूर दे पाएंगे और सही जवाब होगा इसका राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना आप।
और देखिए यहाँ पर अब बात हो रही है प्रोसेस ऑफ सॉयल इरोजन के बारे में, तो मैं आपको हर बात बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा डिटेल में, ताकि आप बात को समझ सकें। यहाँ पर है कि मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए, तो विकल्प ए इसका सही क्रम है, ये मैं पहले बता देता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग आसफाल अपरदन के बारे में, इसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन। तो वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि वर्षा की बूंदें लगातार बरसती हैं और मिट्टी जो होती है वो कटती जाती है। परत अपरदन के बारे में बात कर लेते हैं, तो परत अपरदन क्या होता है, सीट इरोजन जब मिट्टी जल के साथ बह जाती है। फिर आता है रिल अपरदन, जब मिट्टी से छोटी और कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, रिल बन जाती है। और गुली इरोजन और नालिका, इसको क्या कहेंगे, गुली इरोजन, तो जब रिल अपरदन की नालियाँ बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं। यानी कि रिल अपरदन जो होता है इसमें नालियाँ छोटी होती हैं और नालिका वाले में नालियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब इसका बताइए आप। और संस्थाओं के जो मुख्यालय हैं वो, ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं चाहता तो ये जो 15 प्रश्न हैं और बाकी के जो मैं लगभग 20 प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारे प्रश्न मिलाकर मैं इसको 50 प्रश्नों में बदल सकता था, लेकिन मेरा ध्यान रहता है कि मैं सिर्फ आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शामिल कर सकूँ, ताकि आप इस बार इस परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर सफल हो सकें। ठीक है, प्री तो आपका निकलना ही है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो हमने क्विज दी थी आपको 10 प्रश्नों की शुरू में, अब उसके आंसर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको 5 प्रश्न मिलेंगे होमवर्क के लिए। तो देखिए क्विज नंबर 35 में पहला सवाल था, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के कितने वर्ष पूरे होने पर यूनेस्को ने 2019 में सेलिब्रेट किया था, तो 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया गया, तो ये 2017 का निर्णय था। और कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य क्या है, वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितने US डॉलर तक बढ़ाना, तो $60 बिलियन से अधिक। ठीक है, जून 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही जवाब है इसका अमितो घोष। अब 5 प्रश्न और बचे थे, क्रिकेट विश्व कप में कौन सी टीम अपने सभी क्रिकेट मैच हार गई, तो ये अफगानिस्तान की टीम थी। INS शिवाजी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ये सम्मान था राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला था। वेंडल रोड्रिक्स जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो एक फैशन डिजाइनर थे। और किगाली जो है ये रुवांडा की राजधानी है। अच्छा, युगांडा की राजधानी कहाँ पर है ये बताना आप। और अगस्ता मास्टर्स ये गोल्फ से संबंधित एक किताब है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आज का जो होमवर्क है उसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद उत्तर को आप नीचे कमेंट करके बताइए। बताइए कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AS-64E-1 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है, यह हेलीकॉप्टर कहाँ पर बना है ये आपको बताना है। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, पहला देश कौन सा है। कंधमाल हल्दी जिसे हाल ही में GI टैग मिला था ये कहाँ पैदा होती है, किस प्रदेश में। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2019 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। मरियूर गुड़ ये भी काफ़ी चर्चित है क्योंकि इसे GI टैग मिला है, बिल्कुल शुद्ध गुड़ माना जाता है, तो ये कहाँ पर पैदा होता है, किस राज्य का उत्पाद है। और आपको ये बताना है कि 50 रुपये का जो नया नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर है। तो ये 5 नहीं 6 प्रश्न हो गए आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आसान है, इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा। और देखिए हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।